दोस्तों, हमारी प्राचीन परंपराएं ना सिर्फ हमारी सोच बल्कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती हैं। और एक ऐसी ही परंपरा है जमीन पर बैठकर भोजन करना। जी हाँ, जमीन पर सुखासन या पद्मासन की अवस्था में बैठकर खाना खाने के कई स्वास्थ्य फायदे मिलते हैं और ये आपको समय से पहले बूढ़ा भी नहीं होने देते। जी हाँ, जब आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हो तो हड्डियों और पीठ से जुड़ी हर प्रॉब्लम दूर होती है और शरीर तनाव मुक्त महसूस करता है। और अगर शरीर रिलैक्स होता है तो बुढ़ापा भी दूर ही रहता है। एक अध्ययन में भी पाया गया है कि पद्मासन में बैठकर खाना खाने से शरीर लचीला होता है, शारीरिक ताकत बढ़ती है और आपकी उम्र लंबी होती है। यही वजह है कि जो लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं उनको जोड़ों, गठिया और हड्डियों में कभी भी दर्द नहीं होता। जमीन पर बैठकर खाना खाने से तंत्रिका तंत्र और दिमाग दोनों शांत होते हैं, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में खुद को शांत पाते हो। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल, जब हम कुर्सी पर बैठकर खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ होता है, जो कि खाना खाते वक्त जरूरी नहीं। इसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि जमीन पर बैठकर खाना खाने से पारिवारिक संबंध भी मजबूत रहते हैं और आपस में सामंजस्य बढ़ता है। साथ ही साथ आपका सारा ध्यान खाने की तरफ ही केंद्रित होता है, ना कि टीवी, मोबाइल या बाकी किसी चीज़ पर। क्योंकि इस मुद्रा में हमारा मन शांत, ब्लड सर्कुलेशन सही और बॉडी ऑर्डर ठीक रहता है, इसलिए हमारा पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है और शरीर खाने के सभी पोषक तत्वों को लेने के लिए रेडी रहता है। साथ ही आप ओवर ईटिंग से ही बच जाते हो और आपका वजन भी नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, अगर आप भी कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर खाना खाते हो तो अपनी आदत को चेंज करें और जमीन पर बैठकर खाना खाएं, क्योंकि हमारी हर परंपरा में हमारा हित ही छुपा होता है। अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इसके बारे में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।